हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा सरीन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एट फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम की जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट फेस कर रहे हैं। ये है पोस्ट कोविड कॉफ। इसके क्या कॉजेस हैं और हम इसको कैसे घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। तो पोस्ट कोविड कॉफ उन पेशेंट्स को बोलते हैं जिनको कोविड से ठीक हुए तो हफ्ता दस दिन हो गए हैं, लेकिन उनमें एक खांसी बनी हुई है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि कोविड के दौरान आपके लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ था या आपको निमोनिया हुआ था। तो अभी वो रिकवरी फेज में है, आप ठीक तो हो गए हैं लेकिन लंग्स अभी प्रॉपरली पहले के जैसे नहीं हुए हैं, इसके वजह से खांसी होती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है एस्थमैटिक पेशेंट्स में या जिनको एलर्जीज होती हैं, उसमें कोविड इन्फेक्शन एस्थमा का फ्लेयर अप करा देता है। ये काफी कॉमनली देखा जाता है। थर्ड कॉमन चीज ये होती है कि जिनको एस्थमा नहीं भी है उसमें भी कोविड हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन कॉज कराता है। हमारे बॉडी के जो एयरबेस होते हैं उसमें इंफ्लेमेशन कॉज कराता है, जिसके वजह से वो एयरबेस कोलैप्स होते हैं और स्पाज्मोडिक कॉफ होती है। नेक्स्ट कॉमन कॉज पोस्ट कोविड कॉफ का होता है पोस्ट नेजल ड्रिप। काफी पेशेंट्स को नेजल इन्वॉल्वमेंट होती है कोविड के टाइम पे और राइनोसाइनोसाइटिस हो जाता है। तो जो हमारे फेस के साइनसिस होते हैं उसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है और उसमें बलगम भर जाता है, तो वो बलगम धीरे धीरे हमारे गले में गिरता है और वो कॉफ कॉज कराता है। ये कॉफ मोस्टली रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होती है और लेटने पे ज्यादा होती है। नेक्स्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट कोविड कॉफ इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स सिंड्रोम। आप इतने सारे एंटीबायोटिक्स, इतने सारे मेडिकेशन, कुछ लोग स्टेरॉइड, ये सब लिए होते हो कोविड के टाइम पे, जिसके वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है और ये भी आपको कॉफ कॉज कराता है, स्पेसिफिकली नाइट आवर्स में। तो ये तो हुए कॉजेज ऑफ पोस्ट कोविड कॉफ। अब हम इसको डील कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपकी खांसी बनी हुई है और वो ठीक नहीं हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो है डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन। अगर फीजिबल हो तो फिजिकली जाके अपने आप को एग्जामिन करवाइए, और अगर फीजिबल नहीं है तो एटलीस्ट टेली कंसल्ट कीजिए। अगर कोविड से रिकवर होने के बाद आपका कॉफ सब्साइड नहीं हो रहा है और 7 to 10 days के बियॉन्ड भी परसिस्ट कर रहा है तो प्लीज सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे भरोसा मत कीजिए। कई बार ये कॉफ इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, हर बार नहीं पर कई बार ये हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही कुछ टेस्ट कराइए। कुछ लोग एकदम जल्दबाजी में सीटी स्कैन वगैरह भी करा लेते हैं, वो हर बार एडवाइसेबल नहीं होता और उससे रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने में आपकी प्रॉब्लम जो है वो पिन पॉइंट होगी कि आपका क्या कॉज है कॉफ का, और उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है डॉक्टर आपको कई बार एक्सरेज करने के लिए बोले, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करने के लिए बोले, नहीं तो फिर एक PFT जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन या लंग फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये एस्थमेटिक पेशेंट, स्मोकर्स या जिनको स्पाज्मोडिक कॉफ हो रही है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके कौन से लेवल के एयरवेज इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें हम इनहेलर दें तो आपको कितना परसेंट बेनिफिट होता है। तो अगर आपको स्पाज्मोडिक कॉफ है, आप ऑलरेडी स्मोकर हैं, आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, आपको ऑलरेडी एस्थमा था बचपन में और अब आपको पोस्ट कोविड कॉफ हो रही है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर यू। आपका एक बार कॉज आइडेंटिफाई हो उसके हिसाब से आपको कुछ मेडिकेशंस और कुछ मेजर्स बताए जाते हैं। तो हम यहाँ पे जनरल मेजर्स डिस्कस करते हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अवॉइड करना है कुछ भी ठंडा, बहुत ज्यादा सार चीज, मतलब बहुत खट्टी चीज है, एंड आउटसाइड फूड। उसके साथ साथ अगर आप स्मोकर हैं तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है तो उनको भी मना करना है, क्योंकि इस समय एक्टिव या पैसिव फॉर्म में स्मोकिंग आपके एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को और ज्यादा बढ़ाएगा और आपको ज्यादा खांसी होगी और उसी के साथ साथ आप सेकेंडरी इन्फेक्शन के भी प्रोन हो जाते हैं। थर्डली आपको अवॉइड करना है डस्ट और एलर्जीज को। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में डस्टिंग, मॉपिंग, स्वीपिंग ना करें, और जब आपके घर में सफाई हो रही है तो आप दूसरे रूम में चले जाएं। यूज एयर प्यूरिफायर, उससे भी आपके घर की इंडोर एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है और काफी हद तक आपकी एलर्जिक और इंफ्लेमेटरी खांसी कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट थिंग जो हम जनरली पेशेंट्स को देते हैं वो होता है
एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन, एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, बट वो है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दी जाती, सिम्टम कंट्रोल के लिए दी जाती है। नेक्स्ट चीज, जैसे मैंने आपको बोला पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बाद जिन लोगों का रिवर्सिबल एयरवे डिफेक्ट निकलता है वो लोग इनहेलर मेडिकेशन के साथ बहुत बेनिफिट करते हैं। ये इनहेलर मेडिकेशन आपको नेबुलाइज्ड फॉर्म में इनहेलर के साथ या रोटा कैप के साथ बताई जाती है। इसमें इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इनहेल ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं। बिना अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के ये मेडिकेशन अपने आप से मत लीजिए, क्योंकि ऑल्दो ये मेडिकेशन काफी हद तक सेफ होती हैं, बट साइड इफेक्ट हर मेडिसिन के होते हैं। सो विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर प्लीज डू नॉट टेक द मेडिकेशन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जो हम पेशेंट्स को देते हैं वो होती है म्यूकोलिटिक्स की। ये स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को दी जाती हैं जिनमें अंडरलाइंग ऑलरेडी लंग इन्वॉल्वमेंट होती है या जिनको अंदर बलगम फंसा फंसा लग रहा होता है जो नहीं निकलता। स्टीम इनहेलेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बेसिस ऑफ द लंग को एरिएट करने के लिए। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको कोविड निमोनिया हुआ था या जिनको कोविड के समय ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ी थी। स्पेसिफिकली अगर आप एल्डरली हैं तो, क्योंकि जो हमारे लंग के बेसिस होते हैं अगर हम पूरे समय लेटे रहेंगे तो वो कोलैप्स होने लग जाते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, जो वो बॉल्स वाली मशीन होती है जो काफी पेशेंट्स को तो हॉस्पिटल में ही बताई जाती है, वो करने से आपके लंग के बेसिस खुलेंगे। स्टीम लेने से भी आपके लंग के बेसिस में सिक्रीशंस पुल अप नहीं होंगे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं जो आप आराम से अपने आप घर में कर सकते हैं। अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। अगर आप कोविड में हॉस्पिटलाइज भी हुए थे और उसके बाद आप डिस्चार्ज हुए हो तो भी पूरे समय बेड पे मत रहिए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली एवरी डे अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए। अपने सारे मील्स बेड से बाहर निकल के बैठ के खाइए और मील्स के बाद एक से डेढ़ घंटा बैठे रहिए। इससे आपके लंग्स को लैप्स नहीं होंगे। साइमल्टेनियसली जैसे मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोला, दिन में 4 से 5 बार 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वो भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। एंड मेडिकेशंस तो है ही, तो ये एक नोन प्रॉब्लम है, विद इन अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स ये सेटल हो जाती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस गेट इन टच विद योर डॉक्टर एंड फॉलो दीज मेजर्स। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके आपके फैमिली मेंबर में किसी को कोविड हुआ था, पोस्ट कोविड कॉफ चल रहा है, पोस्ट कोविड चेस्ट पेन या कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आई विल ट्राई एंड हेल्प यू। काफी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं दैट वी वांट अ कंसल्टेशन, तो मेरा फर्स्ट जो पिंड कॉमेंट होता है उसमें मेरा अपॉइंटमेंट लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा अपॉइंटमेंट लिंक है। आप उससे क्लिक करके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड यू कैन कम एंड फिजिकली शो मी। आई होप दिस इज यूजफुल एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट।